नमस्कार, मैं नैना आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। हरमन होलेरिथ ने आज के दिन किया था सारणी मशीन का आविष्कार। हरमन होलेरिथ ने 29 फरवरी 1860 को सारणी मशीन का आविष्कार किया था। इस मशीन का उपयोग 1890 में अमेरिकी जनगणना के डेटा को संसाधित करने में विशेष रूप से किया गया। आगे चलकर इसके उन्नत मॉडल व्यापक रूप से लेखांकन आदि में प्रयोग किए गए थे। सारणी मशीन के आविष्कार ने मशीनों के एक वर्ग को जन्म दिया, जिससे यूनिट रिकॉर्ड उपकरण और डेटा प्रोसेसिंग उपयोग के रूप में जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का आज के दिन हुआ था जन्म। स्वाधीनता सेनानी, राजनेता और देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के बुलसर जिले के भदेली गांव में हुआ था। मोरारजी देसाई ने सरकारी नौकरी छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 3 बार जेल जाना पड़ा। वह 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने और 1937 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। 1937 में बनी पहली कांग्रेस सरकार में श्री देसाई राजस्व, कृषि, वन एवं सहकारिता मंत्री बने। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के शासन में 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। जाने माने उपन्यासकार व नाटककार कुशवाहा कांत का आज के दिन हुआ था निधन। देश के जाने माने उपन्यासकार और नाटककार कुशवाहा कांत का जन्म 9 दिसंबर 1918 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। कुशवाहा कांत ने महाकवि मूची नाम से कई हास्य नाटकों और कविताओं का सृजन किया। उन्होंने 9वीं कक्षा में ही खून का प्यासा नामक जासूसी उपन्यास लिखा था। कुशवाहा कांत की प्रमुख कृतियों में लाल रेखा, पपीहरा, पारस, परदेसी, विद्रोही सुभाष, नागिन, आहुति और अकेला आदि शामिल हैं। कुशवाहा कांत की कृतियां कुंवर कांता प्रसाद के नाम से प्रकाशित होती थीं। 29 फरवरी 1952 को कबीर चौरा के पास हुए हमले में कुशवाहा कांत का निधन हो गया था। मोरक्को में आज के दिन आया था भीषण भूकंप, गई थी 12,000 लोगों की जान। दक्षिण मोरक्को के अगाडिर शहर में 29 फरवरी 1960 को आए सबसे घातक भूकंप में 12,000 से 15,000 लोग मारे गए थे और 12,000 लोग घायल हो गए थे। इसके साथ ही करीब 35,000 लोग बेघर हो गए थे। 6.7 की तीव्रता से इस भूकंप से विशेष रूप से फाउंटी, कसाब, याचेज, एहचाच और टेल्बोजर्ड क्षेत्र प्रभावित हुए थे। भूकंप से अगाडिर शहर का लगभग 70% हिस्सा खंडर में बदल गया था। फ्रांसीसी सेना और अमेरिका के 6ठे बेड़े के सैनिकों ने राहत एवं बचाव कार्य में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।